हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो देखिए। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये इस वीडियो में मैं आपके कुछ बेसिक्स क्लियर करूंगा, तभी जाके जो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आगे एक पूरा कोर्स ही यूट्यूब पे लॉन्च करने वाला हूँ। तो आज की जो वीडियो मैं इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं कैलेंडर के ट्रेड्स बहुत ज्यादा करता हूँ। वीकली बेसिस पे मैं कैलेंडर के ट्रेड करता हूँ, मंथली बेसिस पे करता हूँ, एक्सपायरी डे के दिन कैलेंडर करता हूँ। तो कैलेंडर के बहुत सारे वेरिएशन में मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह के कैलेंडर के स्प्रेड्स होते हैं। और देखिए, स्प्रेड एक्चुअली इसमें सिर्फ कैलेंडर ही नहीं, स्प्रेड एक काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे इसमें डेबिट स्प्रेड आ जाता है जिसको हम लोग नॉर्मली वर्टिकल स्प्रेड बोलते हैं, फिर कैलेंडर स्प्रेड आता है, फिर डायगोनल स्प्रेड आता है। डायगोनल स्प्रेड भी एक तरह का कैलेंडर स्प्रेड है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में पहले तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताऊंगा, किस तरह से उसके फॉर्मेशन होते हैं, सो दैट कि जब मैं और उसे किस तरह से एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं, पॉसिबल एडजस्टमेंट बताऊंगा, सो दैट कि जब मैं इसके एडवांस वीडियोस बनाऊं, जब इसके एडवांस एडजस्टमेंट बताऊं, तो आपको बेसिक क्लियर हो, तब आपको ज्यादा इजीली समझ में आ सके। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि आपको किस तरह के स्प्रेड समझने हैं, किस तरह के स्प्रेड होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, राइट। और कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, मेंटोरशिप का कल लास्ट डेट है। अगर ये जो हमारे मेंटोरशिप मई मंथ की है, इसका कल रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं TP3000, तो आपको 3000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये कोड भी कल ही तक वैलिड है, उसके बाद ये कोड वैलिड नहीं रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। कल लास्ट डेट है, तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप कल तक नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये कूपन कोड, अगर आपको ये डिस्काउंट चाहिए, 3000 रुपीज का डिस्काउंट चाहिए, तो आप कल तक रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया जरूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है और कोशिश करता हूँ कि मैं और भी इस तरह के टॉपिक्स आपके लिए बनाऊँ, राइट। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ तीन डिफरेंट स्प्रेड स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। पहला कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी, दूसरा डायगोनल स्प्रेड स्ट्रेटजी और तीसरा वर्टिकल स्प्रेड स्ट्रेटजी। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलेंडर स्प्रेड जो नॉर्मल जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल स्प्रेड भी बोलते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो उसको कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे एट द मनी का एक ऑप्शन, पुट ऑप्शन और एक कॉल ऑप्शन अगर सेल करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, आप यहाँ पे देखिए ये आपका क्या बन गया, स्ट्रैडल बन गया। अगर आप एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं तो ये आपका स्ट्रैडल बन जाता है। ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड स्ट्रैटेजी, जिसको नॉर्मली हम लोग कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस हॉरिजॉन्टल स्प्रेड स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपके जो स्ट्राइक प्राइस हैं वो सारे सेम रहते हैं, बट उनकी जो एक्सपायरी डेज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका एक्सपायरी डे क्या है, 25th का है, और जो स्ट्राइक प्राइस है वो 42,700 का है। लेकिन अब इसमें अगर हमें इसको स्प्रेड बनाना है, जैसे अगर यहाँ पे मैं मंथली चूज कर रहा हूँ, तो मंथली मतलब कि हम लोग ये मंथली कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हैं। इसमें आप वीकली भी बना सकते हैं, मैं अभी सारे डिफरेंट आपको तरीके बता दूंगा। तो अब 42,700 का अगर हम कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों बाय और सेल कर लें, करंट वीक हमने बाय किया हुआ है, नेक्स्ट वीक हम सेल कर देंगे, तो नेक्स्ट वीक अगर हम लोग सेल नेक्स्ट वीक अगर बाय कर लेते हैं हम लोग, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये आपका एक स्प्रेड बन जाएगा जिसमें हमने 42,700 सारे स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखेंगे तो सारी स्ट्राइक प्राइस 42,700 की ही है कॉल एंड पुट मिला के। लेकिन जो इसका अगर आप एक्सपायरी देखेंगे तो ये जो सेल लेग हमारे वो 25th मई के हैं और जो बाय लेग हमारे वो 29th जून के हैं। तो इसको हम लोग बेसिक इसको क्लासिक कैलेंडर भी बोल सकते हैं, नॉर्मली इसको कैलेंडर स्प्रेड भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कैलेंडर स्प्रेड भी बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटेजी। अब इसमें आप बहुत सारे वेरिएशन यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको आप एट द मनी पे बनाएं, आप इसको इन द मनी भी बना सकते हैं, सारे लेग को 42,000 पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो आपका इन द मनी का एक बन जाएगा, पुट साइड में इन द मनी हो जाएगा, कॉल साइड में आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सारे लेग्स को नीचे की तरफ अगर शिफ्ट कर दूं तो आपका पे ऑफ ग्राफ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको भी मैं नीचे कर देता हूं, तो आप देखेंगे आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से हो गया है, क्योंकि अब आपने अपने सारे स्ट्राइक प्राइस को 42,000 पर शिफ्ट कर दिए। इसी तरह से आप ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हैं। कैलेंडर स्प्रेड का मतलब बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जहां पे आपको
क्लासिक कैलेंडर, इसको बेसिकली अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है तो बेसिकली आप इसको ऐसा समझ लीजिए, क्लासिक कैलेंडर है ये। और क्लासिक कैलेंडर में आपका क्या होता है कि अगर आप सारे स्ट्राइक प्राइस जो आपकी रहेंगी वो सेम रहेंगी, बट जो उसकी एक्सपायरीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कैलेंडर स्प्रेड। अब हम लोग आते हैं डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड पे। अब डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड देखिए, यहाँ पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी चूज कर रहा हूँ क्योंकि यूजली मैं बैंक निफ्टी में ही ज्यादा ट्रेड करता हूँ। तो हमने अब बेसिक क्लासिक कैलेंडर सीख लिया, अब हम लोग डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड भी सीख लेते हैं। डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनाते हैं, मैं इसमें यहाँ पे एक स्ट्रैंगल सेल कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके 2 लाख सेल हुए हैं, एक 41,500 का आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन, एक 43,900 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। अब आपने ये 2 लाख करंट एक्सपायरी में सेल कर दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना है क्योंकि यहाँ पे ये मंथली में बना रहा हूँ, आप इसको वीकली इंट्राडे कुछ भी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए, अब डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड में आप बाय लेग कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी मतलब कि ऐसा नहीं कि आप बहुत उल्टे सीधे बाय लेग रख दीजिएंगे तो आपको कभी प्रॉफिट ही ना हो। आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, उस हिसाब से अपनी रेंज आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहला तो मैं आपको सबसे बेसिक वाला बताता हूँ, 41,500 का मैं एक कॉल ऑप्शन सॉरी एक पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा। 41,500 का मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा 29 जून का, और 43,900 का 43,900 का एक कॉल ऑप्शन मैं बाय कर लूंगा। इसमें लिक्विडिटी नहीं दिख रही है तो मैं कोई दूसरी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, 44,000 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है तो इसको मैं बाय कर लूंगा। तो आपका ये हो गया डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड। अब इसमें आप देखेंगे तो आपकी स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट है, स्ट्राइक प्राइस भी देखेंगे तो आप डिफरेंट है। पुट की स्ट्राइक प्राइस है 41,500 करेंट वीक की, मतलब मंथली एक्सपायरी की 25 मई की, और कॉल की स्ट्राइक प्राइस है 43,900। पुट की जो स्ट्राइक प्राइस है वो 41,500 है और कॉल की जो स्ट्राइक प्राइस है वो 44,000 है। आप इसको भी डिफरेंट कर सकते हैं, आप अगर यहाँ पे इसको एक स्ट्राइक प्राइस और नीचे चले जाएंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा, अब आपका ट्रेड कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अब ये दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे, देखिए पहली बात तो ये चार्ट ऐसा नहीं बनेगा, ये चार्ट थोड़ा गलत बन रहा है क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी कैलेंडर के चार्ट सही नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्राइक प्राइस थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ सो दैट कि चार्ट हमारा सही बने, क्योंकि अभी ये चार्ट सही बन नहीं रहा है। ठीक है, अब ठीक बन रहा है। अब आप देखेंगे तो आपका यहाँ जो मिडिल में प्रॉफिट है वो अराउंड कुछ 3,000 रुपीज का है। अगर आपको याद होगा तो पहले आपका जब आपने ये दोनों लेग ऐड नहीं किए तो 7,000 था, तो आपका प्रॉफिट तो कम हो गया, बट अगर आप अपनी रेंज देखेंगे तो आपकी रेंज जो है वो काफी बड़ी होगी। अगर आप अपनी रेंज इस वाले ट्रेड से कंपेयर करें, बेसिक क्लासिक कैलेंडर से ट्रेड को अगर अपनी रेंज को कंपेयर करें तो आपकी ये जो रेंज है ये रेंज आपकी काफी बड़ी दिखेगी। बट एट द सेम टाइम अगर रेंज बड़ी है इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, अगर मार्केट किसी एक साइड में डायरेक्शन ले लिया तो इसमें आपको कंपेरेटिवली इस वाले ट्रेड के कंपेरिजन में ज्यादा लॉस होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर दूं, ये जो आपने मैक्सिमम लॉस देख रहे हैं ना, ये मैक्सिमम लॉस आपको कभी होने वाला नहीं है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए ऑप्शा में क्या है, या कोई भी इस तरह का जो भी स्ट्रैटेजी, मैं सिर्फ ऑप्शा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी स्ट्रैटेजी बिल्डर है उसमें ये एक प्रॉब्लम होती है कि जो भी आउट ऑफ द मनी के मतलब जो नेक्स्ट एक्सपायरी के जो ऑप्शन हो जो हमने बाय किए होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो स्ट्रैटेजी बिल्डर है ये इनको भी ऑन द 25th ऑफ, जैसे ये हमारा एक्सपायरी डे है, सेलेक्ट हमने पे ऑफ ग्राफ 25 मई का सेलेक्ट किया है, तो 25 मई को इसका भी प्राइस जीरो कर देगा ये। तो ये उस हिसाब से आपका ये जो लॉस मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है, ये उस हिसाब से आपका मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है, अदरवाइज ये मैक्सिमम लॉस आपको नहीं होगा, इससे लॉस आपका कुछ ना कुछ कम ही रहेगा। सिमिलर केस इसमें भी है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये आपका मैक्सिमम लॉस नहीं है, इससे कम ही होगा आपका मैक्सिमम लॉस। और यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे तो आपकी रेंज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके मिडिल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, यहाँ अगर मार्केट इस जगह पे कहीं क्लोज होता है तो, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप कॉर्नर में, ये जो आपके कॉर्नर है यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, और मिडिल में अगर मार्केट कहीं क्लोज होता है तो आपको एक बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा, या कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि विक्स ऊपर नीचे होती है तो यहाँ पे ये प्रॉफिट और भी कम हो सकता है। अब देखिए कैलेंडर स्प्रेड
कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको आप रूल बेस में ट्वीट कर पाएंगे। ये एक इस तरह की स्ट्रैटेजी है जिसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं और वेरिएशन बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कब आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, एक्सपायरी से कितने दिन पहले एडजस्टमेंट कर रहे हैं उस पर भी इसके एडजस्टमेंट डिपेंड करते हैं। इसके अलावा आपका विक्स कितना है, विक्स आपके ट्रेड लेने के बाद विक्स बढ़ा है या घटा है उस पर भी इसका एडजस्टमेंट डिपेंड करता है। तो और उसकी वजह से ये जो रेंज आप देख रहे हैं ये रेंज कम और ज्यादा दोनों हो सकती है। अगर आपने ट्रेड लिया उसके बाद आपका इंडिया विक्स बढ़ गया, मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ गई, तो आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रेड लिया और उसके बाद वोलेटिलिटी मार्केट में कम हो गई, इंडिया विक्स कम हो गया, मार्केट में फियर कम हो गया, तो आपकी रेंज भी कम हो जाएगी, आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो ये बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसीलिए कैलेंडर एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक बहुत डायनेमिक स्ट्रैटेजी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सेफ स्ट्रैटेजी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में रेगुलर बेसिस पर पैसा कमाना है तो कैलेंडर स्ट्रैटेजी एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी कही जा सकती है, अगर आपको इसको हैंडल करने आता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं खुद बहुत टाइम से कैलेंडर स्ट्रैट कर रहा हूँ, कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ। और लो खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अगर लो विक्स का मार्केट है तो लो विक्स के मार्केट में तो मैं कैलेंडर स्प्रेड ही करता हूँ, इसके अलावा और कोई स्ट्रैटेजी नहीं करता हूँ, चाहे वो एक्सपायरी डे के दिन करूँ या फिर मैं वीकली करूँ या फिर मंथली करूँ, राइट। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग आ जाते हैं एक और स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आपका आपको बताने जा रहा हूँ डेबिट स्प्रेड। अब ये भी एक काइंड ऑफ स्प्रेड स्ट्रैटेजी ही है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी किस तरह से यूज की जाती है, कब कब यूज की जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर जब ट्रेड करते हैं या ऑप्शन बाइंग के अलावा डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहते हैं कि अगर उनको समझ में आ रहा है प्राइस एक्शन में अच्छे हैं या ट्रेंड को कैच करने में अच्छे हैं तो ऑप्शन बाइंग या फिर डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अब डेबिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी भी दो तरह की होती है, एक होता है आपका कॉल डेबिट स्प्रेड और एक होता है पुट डेबिट स्प्रेड, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कॉल डेबिट स्प्रेड कैसे करते हैं। इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, पुट कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं इसके। तो बेसिकली सारे नामों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड, ये दो आप सिंपल नॉर्मल टर्म्स यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब आप आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अभी मैं फिलहाल के लिए बुल कॉल स्प्रेड बना रहा हूँ। तो बुल कॉल स्प्रेड में आप कैसे बनाते हैं, अब बुल कॉल स्प्रेड में एक स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं जिसके प्रीमियम हाई होगा, हायर प्रीमियम बाय करते हैं और लोअर प्रीमियम सेल करते हैं, तो ये आपका बुल कॉल स्प्रेड बन जाएगा। अब आप इसका चार्ट देख लीजिए, ये कुछ इस तरह का बनेगा। आप यहाँ पे देखेंगे आपका रिस्क लिमिटेड है, अराउंड 1100 समथिंग का रिस्क है और उसके अगेंस्ट में आपके पास जो रिटर्न है वो अराउंड 3800 के आसपास का है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी अच्छा है, 1:4 के आसपास का रिस्क एंड रिवॉर्ड है। अब देखेंगे आप इसमें तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम है क्योंकि मार्केट को पहले इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा तब जाके आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। लेकिन अगेन ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, तो अगर आपको डायरेक्शन मार्केट का समझना आता है तभी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये स्ट्रैटेजी करें, अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी आप ना करें। अगर अगर आपको ना मार्केट की डायरेक्शन नहीं समझ में आती है तो बेटर है कि आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करें, जैसे कि ये वाले ट्रेड और ये वाले ट्रेड। लेकिन अगर आप मार्केट के डायरेक्शंस पकड़ सकते हैं तो आपको ये वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस चीज में ज्यादा बेटर है। अब आने वाले टाइम में देखिए मैं सिर्फ ये डेबिट स्प्रेड पे तो मैं अभी एज ऑफ नाउ बहुत काम कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में प्रीमियम बहुत कम है, तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी से इतना पैसा कमा पाना थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू अगर मार्केट में प्रीमियम बहुत कम है। तो आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी से पे काम करिए जो स्ट्रैटेजी आपको एक छोटी डायरेक्शन भी अगर आप कैप्चर कर पाते हैं तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट दे दे, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको एक वेरिएशन बताया, अब इसको आप बहुत सारे अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत तरीके से बदल सकते हैं, मार्केट का प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आप, अब आप देखेंगे एक सेकंड, इसमें ऑप्शन में कुछ गलत हो गए हैं, प्रीमियम ऊपर नीचे हो गए हैं। अच्छा मैंने दोनों स्ट्राइक पे सेम ही कर दिया है, ठीक है। अब आप देखिए मैंने कॉल डेबिट स्प्रेड को ही अब
बियर डेबिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया है, बियर कॉल स्प्रेड बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या है कि ये स्ट्रैटेजी में आप देखेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो बढ़ गई है, मार्केट एक जहां पे है वहीं पे भी रहेगा, तो भी आपको ये कुछ 300 समथिंग का प्रॉफिट होगा। देखिए अब ये 300 इसको ऐसे मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा ट्रेड है सेटअप, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसको कम ज्यादा किया जा सकता है। मैं आपको कम ज्यादा कभी करके दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे, तो मैं इसको कम भी कर देता हूँ। तो देखिए अब आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपका लॉस भी बढ़ जाएगा, तो इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये हो गया मैंने कॉल के केस में बताया। अब मैं इसको आपको पुट के कंडीशन में भी बता देता हूँ। पुट में क्या करना होता है, पुट में भी आपको हायर प्रीमियम बाय करना होता है, तो हायर प्रीमियम मैं बाय कर लेता हूँ और लोअर प्रीमियम सेल कर देते हैं। स्ट्राइक प्राइस आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपना ट्रेड अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, आपका मैक्सिमम लॉस 350 400 के बीच में है और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 2000 रुपीज है, तो 1:5 के आसपास का रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है, लेकिन आपको अगेन जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये डायरेक्शन पकड़ में आनी चाहिए आपके। और देखिए ये इस तरह के, हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, कैलेंडर स्प्रेड अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या डेबिट स्प्रेड आप ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आपका जो मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, तो उसके कम मार्जिन के कंपेरिजन में जो आपका प्रॉफिट होगा वो आप देखेंगे यहाँ पे तो 10% के आसपास का प्रॉफिट है। आपके 18,000 रुपया लग रहे हैं और आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली 18,000 से भी थोड़ा, मतलब 10% से भी थोड़ा ज्यादा है, राइट। तो यहीं पे मैं सिमिलरली आपको बताऊं तो कैलेंडर स्प्रेड में आपके यहाँ पे जो आपने, क्योंकि ये 4 लॉट में ट्रेड किया हुआ है, तो आपका यहाँ पे 50,000 मान लेते हैं हम लोग, 50,000 लग रहे हैं। तो अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं, मतलब अगर आप यहाँ से एक कॉल और एक पुट को हटा दें, मैं एक कॉल को हटा देता हूँ, सिंगल लॉट कर देते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि आपका मार्जिन सिर्फ 24,000 रुपीज लग रहा है, और उसी कंपेरिजन में जो आपका, अगर ये मैक्सिमम प्रॉफिट मत देखिए, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट डॉट यहाँ कहीं क्लोज होगा तब जाके शायद आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्योंकि कैलेंडर के जो प्रॉफिट होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह का मार्केट कंडीशन है, उसमें क्या मार्केट का विक्स है, क्या मार्केट में वोलेटिलिटी है। तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट स्टिल, अगर आपने 24,000 लगाया हुआ है, 24,000 या 25,000, मैं राउंड फिगर कर लेता हूँ कि राउंड, अगर आपने 25,000 लगाया हुआ है तो 25,000 पर अगर आप 2,000 3,000 रुपए का भी रिटर्न बनाते हैं, तो आपके 10% के आसपास का रिटर्न बनता है, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका रिटर्न, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका रिटर्न काफी ज्यादा है, 10% रिटर्न एक वीक में। लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्शन कैप्चर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप अगर डायरेक्शन कैप्चर नहीं कर पाए तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि प्रॉफिट होने के चांसेस कम है, क्योंकि आप एक डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो। इसको आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस चूज करके, डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे मैं डिफरेंट दूसरी स्ट्राइक प्राइस कर दिया। अब देखेंगे आप तो आपका यहाँ पे रिस्क 400 रुपीज के समथिंग है और आपका जो रिवॉर्ड है वो 4,000 रुपीज से भी ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 25% के आसपास का रिवॉर्ड है, लेकिन अगेन जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए आपको और ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा अपने ट्रेंड को लेके। तो ये डेबिट स्प्रेड आप तभी करिएगा जब आप अपने ट्रेंड को लेके बहुत स्पेसिफिक हो और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो अगर आप अपना एक ट्रेंड पकड़ लेते हैं तो आप एक बहुत डिसेंट रिटर्न कमा सकते हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे, 18,000 रुपये 20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आप 4,000 4,000 रुपये तक भी कमा सकते हैं। मैं आने वाले टाइम पे, अभी मैं डेबिट स्प्रेड पे बहुत सारे एडजस्टमेंट पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस वीक के जो आपको मंडे या ट्यूसडे को, मैं इसकी डेबिट स्प्रेड के ऊपर एक वीडियो और शेयर करूंगा, जहां पे अभी मैंने आपको डेबिट स्प्रेड बनाते कैसे हैं वो बताया है। अब आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को या ट्यूसडे को वो वीडियो आएगी, जहां पे मैं इसके एडजस्टमेंट भी बताऊंगा कि अगर इन केस आप यहाँ पे, आपका मार्केट में डायरेक्शन नहीं भी आता है तो भी आपको कोई लॉस ना हो, इस तरह का एक एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस, अभी इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पर मैं काम कर रहा हूँ, जो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये कैलेंडर के एडजस्टमेंट तो मैं ऑलरेडी आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे आपको ये सारे ट्रेड की अपडेट भी मिलेगी, राइट। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जो आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।